नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में काली पूजा को लेकर उत्सव का माहौल, देर रात से विसर्जन शोभा यात्रा का सिलसिला होगा शुरू। प्रेम विवाह से नाराज भाई ने बहन को मारी गोली, आरोपी भाई फरार, जांच में जुटे पुलिस। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 29 लाख के जाली नोट के साथ चार धंधेबाज गिरफ्तार। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम को देख युवक ने लगाई नदी में छलांग, हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने थाना पर किया पथराव। और उपचुनाव को लेकर डीएम एसएसपी ने किया दौरा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में काली पूजा समारोह को लेकर जिले भर के तमाम काली मंदिरों में श्रद्धालुओं के बीच काफी भक्ति और उत्साह का माहौल दिखाई दिया। मंगलवार की मध्य रात्रि सभी काली मंदिरों में मां काली की प्रतिमा स्थापित कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तांत्रिक विधि से मां की पूजा अर्चना की गई। भागलपुर के पर्वती की माँ बुढ़िया काली, बुढ़ानाथ, बम काली, शाक्षक बुढ़िया काली मंदिर, भिकनपुर के विभिन्न काली मंदिरों के अलावा मुंदीचक, खंजरपुर, मिर्जान हाट, सिकंदरपुर, अलीगंज समेत भागलपुर के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के काली मंदिरों में बुधवार की सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी, जहां श्रद्धालुओं ने माता का दर्शन कर पूजन और देवी की आराधना की। इसके अलावा बता दें कि पिछले 2 वर्षों तक रही कोरोना महामारी के बाद इस वर्ष हर्षोल्लास के साथ काली पूजा समारोह और मेला का आयोजन किया गया, जहाँ लोगों ने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ काली की पूजा अर्चना की। वहीं भागलपुर के पर्वती काली पूजा समिति के अलावा सभी पूजा पंडालों में मेला का माहौल देखा गया, जबकि बुधवार की रात जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के निर्देश अनुसार मां काली प्रतिमा की विसर्जन शोभा यात्रा निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भागलपुर में काली पूजा समारोह को लेकर जहां जिले भर में उत्साह का माहौल देखा गया, वहीं कई ऐसे प्रसिद्ध काली मंदिर हैं जहां सैकड़ों वर्षों से पूरे विधि विधान से मां काली की भक्त पूजा अर्चना करते हैं और यहां लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भी दूर दराज से पहुंचते हैं। वहीं भागलपुर में निकाली जाने वाली माँ काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान अभिभावक की भूमिका में सबसे पीछे रहने वाली बुढ़ानाथ बम काली के दर्शन करने मंगलवार की शाम से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे, जबकि बुधवार की सुबह से ही मंदिर में पूजा एवं दर्शन के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। इधर पूजा समिति के सदस्यों का कहना है कि बुढ़ानाथ बम काली मंदिर की प्रतिमा पार्वती काली की बड़ी बहन मानी जाती है और भागलपुर की प्रसिद्ध काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा का नेतृत्व पार्वती की बुढ़िया काली करती है और सभी प्रतिमा के निकल जाने के बाद अभिभावक के रूप में बुढ़ानाथ की बम काली रहती है, जिनका विसर्जन काली विसर्जन मसहरी घाट पर बनाए गए कृत्रिम घाट पर किया जाएगा। वहीं बुढ़ानाथ बम काली मंदिर में पूजन से संबंधित कार्यों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविशंकर सिन्हा ने। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर सिन्हा और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। हम यही मौजूद है भागलपुर के बुढ़ानाथ बम काली मंदिर के समीप और यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जुट रही है। कल सूर्य ग्रहण होने के कारण मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण लोग दर्शन नहीं कर सके थे और शाम में सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद इसकी शुरुआत पुनः की गई थी। तो आज यहाँ विसर्जन यात्रा भी शुरुआत होनी है। रात यहाँ जो भागलपुर जिले की जो तमाम प्रतिमाएं हैं वो उठनी है। तो हम यहाँ भागलपुर के ऐतिहासिक बम काली मंदिर के पास पहुँचे हैं और क्या महिमा रही है और क्या विशेषता रही है, इसको लेकर के हम यहाँ जानेंगे जो पूजा समिति के जी क्या विशेषता रही है यहाँ पर और लोग क्यों मतलब जुड़े हुए हैं इस जगह से। यहाँ की प्रतिमा और यहाँ के स्थान पर जो है सारे लोगों की विश्वास इतनी है कि बहुत लोगों की मिन्नत पूरी हुई है, जिसके कारण यहाँ आए दिन आस्था जुड़ी रहने के कारण भीड़ भी ज़्यादा हो रही है और 1899 से अनवरत इसी तरह 99 में मंदिर हो गया था, तो 1899 से यहाँ अनवरत पूजा होती आ रही है और पहले प्रतिमा कुछ छोटी होती थी लेकिन समय के साथ एक फिक्स हुआ कि ये हाइट का ही बनेगा और भागलपुर की सबसे बड़ी प्रतिमा और एक समय ये सबसे आगे रहती थी, लेकिन है कि लकड़ी के रथ होने के चलते अक्सर खराबी आने से सारी प्रतिमा पीछे बाधित हो जाती थी। तो यहाँ के लोगों और
संगठन का हुआ कहना कि आप सबसे बड़ी प्रतिमा हैं, इसलिए गार्जियन स्वरूप आप सबसे लास्ट में रहें, जिससे कि हम लोगों को आगे का कार्यक्रम करने में आसान हो। और ये अब जितनी भी भागलपुर की प्रतिमा रहती है सभी को पहले आगे ले लेती हैं और तब लास्ट में ये जो है अपना विसर्जन यात्रा तय कर। ये जो है परंपरा चला आ रहा है कि बम काली की छोटी बहन है पर्वती काली, तो पर्वती काली और बम काली का मिलन होता है खलीफाबाद चौक पर। तत्पश्चात जो है पर्वती की काली जी जो हैं वो आगे निकल जाती हैं और सब वहाँ हमारी काली जो है बम काली वो वहाँ पे चित्रशाला स्टूडियो के पास पश्चिम और दक्षिण फेस से मुख से खड़ी रहती हैं। और जब सारी प्रतिमाएँ आगे निकल जाती हैं तो सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में हमारी प्रतिमा पीछे से चलती हैं, सबको कह सकते हैं सबको गाइड करते हुए या सबके साथ लेकर, सबको साथ लेकर के चलती हैं। पर्वती काली और बूढ़ानाथ की जो बम काली है उनकी जो मिलन है वो लोगों के लिए कौतूहल का विषय भी होता है और एक विशेषता है यहाँ पूरे भागलपुर में। लोगों की यहाँ भीड़ भी जुड़ती है उस मिलन का दर्शन करने के लिए, उस दृश्य का दर्शन करने के लिए। और जैसा कि पता है कि बिहार में भागलपुर में काली पूजा का विशेष महत्व और विशेष यहाँ लोगों की रुचि देखी जाती है और विशेष यहाँ की जो शोभा यात्रा निकलती है वो तमाम देश भर में चर्चा का विषय होता है। बंगाल के बाद अगर बिहार की हम बात करें तो यहाँ भागलपुर में काली पूजा का विशेष महत्व और विसर्जन शोभा यात्रा की खासा महत्व है और लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए भी आते हैं। तो अभी जो हम एक बार फिर से आपको दिखा देंगे कि माँ काली के दर्शन तमाम हम शिल्प टीवी के माध्यम से तमाम दर्शकों को स्थान में फिलहाल, और कल हम फिर पुनः विसर्जन शोभा यात्रा में भी दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ जुटी हुई है और लोग यहाँ पर पूजन करने के लिए लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस तरह के लगातार माँ काली का दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं और उसको देखे उत्साह भी देखा जाए। कोविड के बाद जो एक माहौल में राहत आई है तो उसके कारण जो है इस बार विशेष उत्साह के साथ मेला का भी आयोजन किया गया और लोग बढ़ चढ़ कर पूजा में भी लगातार हिस्सा ले रहे हैं। भागलपुर में प्रेम विवाह से नाराज भाई ने अपनी बहन को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला सजोर थाना क्षेत्र के चंद्रभानपुर गांव का बताया जा रहा है। घटना के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शिवानी सोलंकी ने कुछ दिन पहले अपनी प्रेमी के साथ घर से भाग कर प्रेम विवाह रचाया था। इसके बाद परिवार वाले उसकी शादी से नाराज चल रहे थे। सोमवार की देर रात शिवानी के भाई ने ही शिवानी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सजोर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले पर मृतक के परिजन कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। घटना तो हम लोग को पता चला सुबह, क्या मर गया भतीजी है अभय सिंह का। अभय सिंह का भतीजी है? अभय सिंह कौन है? इनका हम लोग का गांव का है। अरे इसका कौन है अभय सिंह? बड़े पापा लोग। इसका पिताजी का नाम क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह घर चंद्रामा। चंद्रामा असली नाम बोलो। निर्मय सिंह जी ना, निर्मय सिंह। निर्मय, निर्भय, निर्भय सिंह। घर चंद्रामा। लड़की का नाम क्या है? शिवानी। शिवानी कौन गोली मारा इसको? ये नहीं बता सकते हैं हम लोग तो कापति खेल के। इसका भाई ने गोली मारा है जी? नहीं जानते। लखीसराय जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 29,50,000 के जाली नोट के साथ चार धंधेबाज को एक होटल से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि धंधेबाजों की इन सभी जाली नोट को दीपावली में खपाने की तैयारी थी, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। वहीं इसको लेकर पुलिस कप्तान पंकज कुमार एएसपी सैयद इमरान ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि लखीसराय शहर के होटल आकाश में
जाली नोट के धंधेबाज ठहरे हुए हैं, जिसके बाद उनके द्वारा एक टीम का गठन कर 500 रुपये के 29 बंडल के जाली नोट के साथ धंधेबाज मनीष सिंह एवं माधुरी देवी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के महुली गाँव में छापेमारी कर धंधेबाज राहुल सिंह एवं सतीश कुमार को भी गिरफ्तार किया। हालांकि इस गिरोह के 3 अन्य साथी भागने में सफल रहा, जहां इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि धंधेबाजों के द्वारा बंगाल से जाली नोट को प्रिंट कर बिहार के कई शहरों में खपाने का काम करते हैं। 30/10/22 को सूचना के आलोक में कि जाली नोट के कारोबारी अशोक होटल में जमा है, और उस सूचना के आलोक में ASP इमरान के नेतृत्व में टीम गठन किया गया, जिसमें टाउन थाना अध्यक्ष चंदन, वहाँ के ही पुलिस अवर निरीक्षक संजीव, राहुल और हमारी DIU टीम के गौरव ने छापामारी की। छापामारी के क्रम में ASP इमरान के नेतृत्व में सर्वप्रथम अशोक होटल के कमरे को खुलवाया गया, छानबीन किया गया, तो उसमें 2 की गिरफ्तारी हुई और उन लोगों के पास से नकली नोट जो प्रिंटेड हैं, जिसमें केमिकल लगाने के बाद वह पूरी तरह से नोट के रूप में नज़र आएगा, वो बरामद हुआ। उस दोनों से पूछताछ के बाद ये पता चला कि ये एक पूरा संगठित गिरोह है। अभी तक जो पुलिस को पता चला है उसमें 7 अपराधकर्मी के गिरोह की बात सामने आई है। उसके आधार पे हम लोगों ने नवादा जिला से 2 और अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की, जिसमें राहुल और सतीश की गिरफ्तारी हुई। उसके पास से भी ये नोट बरामद किए गए। मोतिहारी में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम को देख एक युवक नदी में कूद गया, जिससे उसके डूबने से मौत हो गई। जैसे ही युवक नदी में डूबा, वैसे ही छापेमारी करने गई टीम वहां से फरार हो गई। लेकिन इस बीच घटना से नाराज ग्रामीणों ने मृतक के शव को लेकर चकिया थाना पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि इस घटना से चकिया थाना पुलिस अनजान थी और पुलिस कुछ भी समझ पाती, तब तक आक्रोशित ग्रामीणों ने अचानक से थाने पर हमला बोल पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एक समातार के सर पर पत्थर लग गया और सर फट गया। कुछ देर के लिए थाना रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस बीच चकिया और महसी थाने की पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर हंगामे को शांत कराया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि चकिया थाना क्षेत्र के बड़ा बैसाहा गांव में शराब की सूचना पर छापेमारी करने उत्पाद विभाग की टीम गई थी। इस दौरान टीम ने युवक का पीछा किया, जिसके बाद युवक पुलिस को देखकर डर गया, जिसके बाद उसने नदी में छलांग लगा दी। वहीं नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम वहां से फरार हो गई। इस बीच आसपास के लोग जमा होकर युवक को नदी से बाहर निकाला तो युवक की पहचान बड़ा बैसाहर निवासी मंटू सहनी का 18 वर्षीय पुत्र नितेश के रूप में हुई है। नरेश सहनी, कहाँ घर हुआ? बड़ा बैसाहर। कैसे कैसे घटना हुआ है? जैसे एक साल जाए पकड़ने, हाँ, तो लड़का दुकान पर बैठता है, तो अनजान लड़का है, वो जैसे भागा है ना, पुलिस ऐसे पकड़ा है, बहुका के डर के मारे पानी में गिर गया। और उसके बाद एक्सरसाइज वाला का के दौड़ के गाड़ी एकदम चालू करते फाकते रह गए, हम आया है तो तालू फिरार हो गया है, न तो हम एक्सरसाइज वाला को रोके लेते, का भगवान थोड़ी एक्सरसाइज वाला बहन ना पहले का दो बहुत देर तक खरीदा है। क्या बच्चा का जो डूबा है? नीतीश कुमार, उसके पिताजी का नाम मंटू सहनी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं सुबोध कुमार, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं 2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया, तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कोई भी दवा नहीं खाता हूँ। डायबिटीज़ का नॉर्मल है, मेरा डायबिटीज अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है।
जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है और बहुत अच्छा है। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Javed Khabib Pro Academy and Saroon Kacheri Chowk near Dhaba Portal at Atyavati Tower 2nd Floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांस नर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्ट्रेनरिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, सिस्टीनोड हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट, और यही नहीं एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्राफेशियल ऑल्सो। मेकअप में भी आपको एस टी एयरब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटर प्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब अकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ के ऑनर मिसेस सुधा पांडे हैं, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर की ओर से बुधवार को आनंद चिकित्सालय रोड स्थित चैम्बर कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था की ओर से एक दूसरे को दीपावली की शुभकामना और बधाई दी गई, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने व्यवसायी समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा व्यापारियों के हित में कार्य करने की बात भी अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान कही।
रही। वहीं इस दौरान संस्था की ओर से निकाली गई लक्ष्य पत्रिका का विमोचन भी चैम्बर के अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया, महासचिव पुनीत चौधरी, मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा, मनीष बुचासिया, अजीत जैन, विनोद अग्रवाल समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं इसको लेकर श्रवण बाजोरिया ने कहा कि दीपावली और होली में मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है और सभी से मिलजुल कर बधाई देने के साथ व्यवसायियों के हित में काम करना ही उनका उद्देश्य है। मौके पर ओम प्रकाश कनोडिया, रामगोपाल पोद्दार, सुमित जैन समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक भागलपुर की सशक्त संगठन है और जिसकी स्थापना को लगभग 60 साल हो गए और इसके स्थापना जो हमारे पूर्वज लोग थे व्यापारी वर्ग और समाज हित के लिए इसकी स्थापना की, उसी क्रम में होली मिलन समारोह और दीपावली मिलन समारोह ये क्रम रखा गया है ताकि व्यापारियों के बीच में, समाज के बीच में आपस की एक जो भी है चर्चाएं हो, समाज के विषय में हो, व्यापार के विषय में हो, परिवार के विषय में हो, हम लोग एक दूसरे से मिलें क्योंकि व्यापार की व्यस्तता के कारण हम लोग मिल नहीं पाते हैं। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भागलपुर के द्वारा दीपावली मिलन का आयोजन किया गया, इसके लिए सर्वप्रथम सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक पत्रिका का विमोचन भी किया है। ये पत्रिका त्रैमासिक है और हर एक 3 महीने पर निकलेगी। इसका एक फुल एडिशन या एक बिग एडिशन जो है हम लोग सालाना निकालेंगे जिसमें कि काफ़ी जानकारियां उसमें सम्मिलित रहेंगी और इससे लोगों व्यापारियों को फायदा होगा। उपचुनाव को लेकर मंगलवार को मोकामा दौरा करने पहुंचे पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो, जहां उन्होंने मुख्य रूप से विधि व्यवस्था को लेकर अनुमंडल के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर भयमुक्त तथा निष्पक्ष वातावरण में उपचुनाव संपन्न हो इसको लेकर अनुमंडल के अधिकारी एवं अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि 6 नवम्बर को गिनती है, जहाँ मतगणना के लिए पटना के आर्यभट्ट संस्थान को केंद्र बनाया गया है जिसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारियों की तैनाती कर बूथों तथा हथियारियों के भौतिक सत्यापन, गांव एवं आवासीय क्षेत्रों से बूथ भवन तथा वहां तक जाने वाले रास्तों की स्थिति का जायजा लेकर पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए और चप्पे चप्पे पर पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात करने के निर्देश दिए गए। ये मोकामा विधानसभा उपचुनाव 3 नवम्बर को होना है, उसी को देखते हुए आज हम लोग सभी सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, सुपर सेक्टर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग किए हैं और यहाँ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो जवान आए हैं और जो के अधिकारी हैं वो लोग भी उपस्थित थे। मुख्य रूप से हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आज समीक्षा किए हैं और लोगों को ब्रीफिंग किए हैं, अलर्ट किए हैं लोगों को कि आदर्श आचार संहिता का पालन बहुत ही सख्ती से कराएँ और जो शस्त्र सत्यापन की स्थिति है उसमें थोड़ा अभी कमी है, उसको तेज़ी से करें। अगले 2 दिन में शस्त्र सत्यापन पूरी तरह से कर लें। निरोधात्मक कार्रवाई जो है उसमें बाउंड डाउन का अभी कमी है थोड़ा, उसको भी अच्छे से कर लें। सभी मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण निश्चित रूप से कर लें। मतदान केंद्र की स्थिति, भवन की स्थिति, संपर्क पथ की स्थिति बहुत ही अच्छे ढंग से उसको देख लें और बाकी EVM सीलिंग का काम हम लोगों का कल से शुरू होगा। भेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत विशंबरपुर गांव में एक सीमेंट लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसा, जिससे कि घर के अंदर सोए व्यक्तियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना को लेकर बताया जाता है कि चालक नशे की हालत में था और नशे की हालत में तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चला रहा था, जिसके कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, जिससे कि घर काफी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दौरान लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में किसी की भी जान जा सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर थाने ले आई और साथ ही ट्रैक्टर को भी जब्त कर ली। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में काली पूजा को लेकर उत्सव का माहौल, देर रात से विसर्जन शोभा यात्रा का सिलसिला होगा शुरू। प्रेम विवाह से नाराज भाई ने बहन को मारी गोली, आरोपी भाई फरार, जांच में जुटे पुलिस। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 29 लाख के जाली नोट के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम को देख युवक ने लगाई नदी में छलांग, हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने थाना पर किया पथराव। और उपचुनाव को लेकर DM SSP ने किया दौरा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।